13 दिसंबर 2001 को सुबह करीब 11:30 पर देश की राजधानी नई दिल्ली में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 टेररिस्ट संसद भवन पर अटैक कर दिया। जब यह हमला हुआ उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में लगभग 200 लोग थे और उनमें से किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतंकवादी लोकतंत्र के मंदिर तक भी पहुंच सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर संसद पर हमला कैसे हो गया, कैसे इतनी सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा गार्ड के रहते हुए आतंकी संसद के अंदर तक पहुंच गए थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। देखिए, पार्लियामेंट पर अटैक होने से पहले राज्यसभा और लोकसभा में एक बिल को लेकर बहस काफी ज्यादा हो गया, इसलिए दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। फिर उसके ठीक 40 मिनट बाद एक सफेद एम्बेसडर कार जिसका नंबर प्लेट DL3CJ1525 था, इस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था, संसद भवन परिसर में दाखिल हुए। उसके अंदर बैठे सभी 500 लोग सेना की वर्दी पहने हुए थे, शायद इसलिए सुरक्षा गार्डों पर उन पर शक नहीं हुआ और एक बड़ी चूक हो गई। 500 आतंकी सारन बजाते हुए संसद परिसर तक पहुंच गए और उनके सभी आतंकवादियों के पास काफी मात्रा में AK-47 राइफल, पिस्तौल, ग्रेनेड लॉन्चर, हथगोले, विस्फोट बेल्ट थे और वो लोग बिल्डिंग गेट नंबर 12 की ओर चले गए, जहां उनका सामना वाइस प्रेसिडेंट के काफिले से हुआ जो गेट नंबर 11 पर पार किया गया था। संसद भवन वॉच एंड वार्ड स्टाफ के सदस्यों में से एक जगदीश प्रसाद यादव को उस एम्बेसडर कार पर शक हुआ और वो तुरंत उसके पीछे भागे। कार को पीछे की ओर मोड़ने के लिए मजबूर किया गया और इस प्रोसेस में वह कार वाइस प्रेसिडेंट की कार से टकरा गई। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चैलेंज दिए जाने पर 5 आतंकवादी कार से बाहर कूद गए और अंधाधुन गोलाबारी शुरू कर दी। वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में लगे दिल्ली पुलिस के जवानों और ड्यूटी पर तैनात CRPF और ITVP के जवानों ने तुरंत अपनी स्थिति संभाली और गोलाबारी का जवाब दिया। इसी समय संसद भवन वॉच एंड वार्ड स्टाफ मातबर सिंह को गोली लगने से घायल हो गए। वह गेट नंबर 11 के अंदर पहुंचे और उसे बंद कर दिया। फिर अलार्म बजाया गया और इमारत के सभी गेट तुरंत बंद कर दिए गए। आतंकी संसद भवन के गेट नंबर 12 और फिर गेट नंबर 11 की ओर भागे। गेट नंबर 1 पर सिक्योरिटी फोर्स ने एक आतंकी को मार गिराया और उस दौरान उसके शरीर पर लपेटा हुआ विस्फोटक फट गया। बाकी 4 आतंकी पीछे मुड़े और बिल्डिंग के गेट नंबर 9 पर पहुंच गए। उनमें से 3 को वहीं ढेर कर दिया गया। 5वां आतंकवादी गेट नंबर 5 की ओर भागा, जहां उसे भी मारकर गिराया गया। गोलाबारी के दौरान दिल्ली पुलिस के 4 स्टाफ नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश और वाइस प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी से जुड़े हेड कांस्टेबल घनश्याम की मौके पर ही जान चली गई। अन्य 3 व्यक्ति जो मारे गए थे वो CRPF की एक महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी थी। संसद भवन के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के सिक्योरिटी असिस्टेंट जगदीश प्रसाद यादव जो आतंकवादियों की कार के पीछे भागे थे और CPWD की एक नागरिक कर्मचारी देशराज और 18 अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गया। इनमें संसद भवन सुरक्षा सहायक वॉच एंड वार्ड स्टाफ मातब सिंह भी शामिल थे जो बाद में चोट के कारण मृत्यु हो गई और क्राइम सीन की घेराबंदी कर दी गई और फोरेंसिक एक्सपर्ट और बम डिस्पोजल सहित जांच टीमों को सेवा में लगाया गया। इंसिडेंट साइट से कई हथगोले बरामद किए गए और उन्हें इनएक्टिव कर दिया गया। विस्फोट समेत भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया। इस केस की जांच में एक लोकल कॉलेज के लेक्चरर सैयद अब्दुल रहमान गिरानी की गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो 2 अन्य साथियों हफजल और शौकत हुसैन गुरु की पहचान हुई। फिर शौकत हुसैन गुरु की पत्नी से पूछताछ करने के बाद पता चला कि शौकत हुसैन गुरु और अफजल 13 दिसंबर 2001 की दोपहर को श्रीनगर के लिए निकले थे। इसकी जानकारी तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस को दी गई, जिसने दोनों को पकड़ लिया। जब उन सब से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जैश ए मोहम्मद के एक पाकिस्तानी नागरिक गाजी बाबा ने यह काम सौंपा था। अफजल को पहले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पाक ISI द्वारा ऑपरेटेड एक कैंप में ट्रेंड किया गया था। 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए ठिकाने की व्यवस्था शौकत हुसैन गुरु ने की थी, जिनमें से 2 मुखर्जी नगर में और एक नॉर्थ दिल्ली के तिरापुर इलाके में था। फिर वहां छापेमारी की गई तो वहां से एक और गिरफ्तार किया गया। उसके पास बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली अदर इंग्रेडिएंट्स और दिल्ली का नक्शे का कागज का एक टुकड़ा,
जिस पर हाथ में चाणक्यपुरी का नक्शा का बना हुआ था। देखिए इस अटैक का मास्टरमाइंड अफजल गुरु, शौकत हुसैन, यसार गिलानी और नवजोत सिद्धू थे। इन सबको अदालत ने नवजोत सिद्धू को 5 साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई और बाकी तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में गिलानी को बरी कर दिया गया, जबकि हुसैन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अच्छे आचरण के कारण उसे 9 महीने पहले ही रिहा कर दिया गया और अफजल गुरु को 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई। दोस्तों इस वीडियो की रीच के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।